हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मधु। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिए, इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का बर्तन, वो कांच का हो तो अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक या कांच का ही यूज़ करें। नेक्स्ट हम ये ट्रोपोलाइट की डेयरी फ्री व्हिपिंग क्रीम को यूज़ करेंगे। ये किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है, इससे क्रीम अच्छी बनती है। और इस क्रीम को यूज करने से पहले एक घंटा फ्रीजर में से बाहर निकाल के रखें, इससे क्रीम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। व्हिपिंग क्रीम यूज़ करने से पहले हर बार इसे एक बार अच्छे से शेक करके यूज़ करें। हैंड मिक्सी के ब्लेड्स भी मैंने फ्रीज़र में एक घंटे के लिए रखे थे और इसके नीचे जो बर्तन है उसको मैं क्रीम बनाने वाले कांच के बर्तन के नीचे रखूँगी। उसमें भी मैंने पानी भर के फ्रीज़र में एक घंटे के लिए रखा था, तो उसमें हल्का आइस तैयार हो चुका है। इन आइस क्यूब्स को भी मैं नीचे वाले बर्तन में ही डालने वाली हूँ। और मैं ये ऑर्पेट की हैंड मिक्सी यूज़ करने वाली हूँ, ये अच्छी तरह से चलती है, मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। और जब भी आप व्हिपिंग क्रीम बनाएं तब आपके सभी बर्तन एकदम चिल होने चाहिए। अब हम 2 कप क्रीम लेंगे, इतने क्रीम से आप 1/2 kg के केक को अच्छे से आइसिंग कर सकते हो। इसमें हमें आइस बनी हुई क्रीम बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सिर्फ लिक्विड क्रीम यूज़ करनी है। इसमें आइस आ गया तो आपकी क्रीम थिक नहीं बनेगी। अब हमें इस क्रीम को मीडियम स्पीड पे 7 मिनट और हाई स्पीड पे 3 मिनट के लिए चलाना है। इस तरह से चलाते रहें। अब इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसको और चलाना होगा। हर प्लेस में अलग टेम्परेचर रहेगा, तो आपको व्हिपिंग क्रीम बनाने में थोड़ा कम या ज़्यादा समय लग सकता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का फर्क रहेगा। 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी स्टिफ हो चुकी है। अभी और इसको 3 मिनट हाई स्पीड पर चलाएँगे। बीच बीच में क्रीम को चेक करें, नहीं तो ओवर व्हिप हो गई तो वो स्टिफ होके लूज होने चालू होगी। आप देख सकते हैं मेरी क्रीम 10 मिनट में पूरी तरह से तैयार हो गई। आप इसको ऐसे उल्टा करके बर्तन को देखें, अगर क्रीम नीचे नहीं गिरेगी तो आपकी क्रीम तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे केक पे या कप केक पे किसी पे भी लगा के खा सकते हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।